नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां चितौनी खास गांव के प्रहलाद प्रजापति की बेटी नीतू की शादी महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अवशानपुर निवासी दुर्गेश प्रजापति पुत्र खिलावन प्रजापति के साथ 5 दिसंबर 2023 को तय की गई थी। आज ही के दिन मंगलवार को चितौनी खास में कन्या पक्ष के दरवाजे पर बारात आनी थी कि बीती रात लगभग 10:30 बजे लड़की के भाई सुनील प्रजापति के पास शादी की मध्यस्थता करने वाली पुष्पा का फोन आया कि दूल्हा सुबह से ही घर से गायब हो गया है। लड़की के भाई सुनील प्रजापति ने बताया कि इसकी जानकारी प्राप्त होते ही दूल्हा दुर्गेश के घर फोन किया गया तो दुर्गेश के भाई तारकेश्वर ने फोन उठाया और बताया कि लड़का घर से गायब है, मुझे 1,00,000 रुपए मेरे खाते में भेज दो। लेकिन मैंने रुपये देने से इनकार कर दिया और कहा कि बारात लेकर दरवाजे पर आइए, हम सभी व्यवस्था कर देंगे। किंतु तारकेश्वर ने उस समय मेरा फ़ोन काट दिया। लड़की के भाई सुनील प्रजापति ने बताया है कि घर पर हम लोगों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। लगभग 1 वर्ष पहले ही 5 तारीख 2022 को लड़की के साथ बरच्छा और सगाई का कार्यक्रम भी लगभग 2,00,000 रुपए का खर्चा के साथ हुआ था। वहीं आज बारात के लिए भी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई थी, टेंट से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। वहीं दहेज में देने के लिए फर्नीचर आदि सामान भी खरीद लिए गए थे, जिसमें लगभग 2,00,000 खर्च हो गए थे। वहीं दुर्गेश के घर वाले दहेज के लालच में उसे घर से कहीं बाहर भगा दिए हैं, जिसकी वजह से वह बारात लेकर नहीं आया। वहीं हाथों में मेहंदी लगाई लड़की रो रो कर बुरा हाल है। वहीं कन्या पक्ष की तरफ से स्थानीय थाने में भी लिखित तहरीर दे दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में और क्या कुछ बोले हैं दुल्हन के पिता और दुल्हन के भाई ने, सुनिए। आज आपके घर बारात आनी थी, देखें बारात नहीं आ रही, क्या मामला है, क्यों बारात नहीं आ रही है, क्या कोई कहानी है? मैटर ये है, एकाएक हमारे पास फोन आ गया कि लड़का जो है घर से गायब है, आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो हम लोग जो है बहुत अचानक आश्चर्यजनक हो गए। फिर इसके बाद मैं कॉल किया उनको, कॉल करने के बाद ये फिर पता चला कि वो लड़का सुबह आठ बजे से गायब है, लड़का आ नहीं पाएगा। तो मैं इस बात को जब मैं सुना तो मैं जो है सुबह में जो है महाराजगंज थाने पे मैं गया, महाराजगंज थाने में FIR में करवाया और वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या है, शादी कब तय हुई थी, लड़का क्यों एकाएक गया, क्या कारण हो सकता है, शादी कब तय हुई थी, कब अच्छा हुआ था, इसके बारे में बताइए जी। शादी हमारी तय थी 5 दिसंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को सगाई भी हुई थी। वहाँ पे हमने जो है खाने पीने का सगाई का सिस्टम हर एक चैन अंगूठी का बहुत भरपूर मात्रा से एक अच्छे तरीके से हम किए थे वहाँ पे। हम क्या कारण हो सकता है कि 1 साल बाद लड़का चला गया, क्या लड़के ने कभी आप लोगों से संपर्क किया या कुछ मांग, दहेज की मांग या कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, दहेज की मांग तो लड़के की नहीं थी, बट जो है उनके घर वालों की थी। हमसे जो है फ़ोन करके भी जो है कल के डेट में 4 तारीख में वो बोल रहे थे कि आप जो है हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि आप शादी के दिन आइएगा तो रात को उस समय जो है मैं आपको अच्छे तरीके से मैं जो है पैसा मैं आपको पैकेट करके मैं आपको दे दूंगा। लेकिन क्या व्यवस्था आप कर चुके थे, कितना नुकसान हुआ आप पहले बताइए? अब हमारे यहाँ जो है खाने पीने से सोने तक मिठाई, हलवाई, टेंट वाले का, कॉफ़ी वाले का, लाइट, डीजे, हर एक चीज़ का व्यवस्था हमारा पूरा एकदम रेडी हो चुका था। और हमारा लगभग जो है ईमान के चलिए टोटल देन लेन का सारा खर्चा मिला के हमारा जो है 4,00,000 रुपए का हुआ है।
कारण नहीं पता चला कि लड़का कहाँ गया, लड़का का कभी संपर्क किया आपसे? एक साल पहले सगाई हुई थी, कभी संपर्क किया कि हम शादी नहीं करेंगे ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हमारी बात होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे जो है ऐसा कुछ सूचना हमको नहीं मिला। तो क्या लड़का सही में गायब है कि लड़का पक्ष वाले खुद कह रहे हैं? अब पक्ष वाले सर केवल बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो लड़का गायब नहीं है, उसको जो है दहेज, वो लोग दहेज के कारण हो सकता है उनको दहेज हम उतना दे नहीं पा रहे हैं, तो इस नाते जो है वो लड़कियों के गायब कर दिए। क्या चाहते हैं आप, क्या कोई कार्रवाई? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो और जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमको मिले। बोले आज आपके घर पे बारात आने वाली थी, बेटी की शादी, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? कुछ आज शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और वहाँ से मतलब का बारात हमारे घर पर नहीं आई, और बाद में मतलब लोग फोन किए कि बारात नहीं जाएगी, तो हम लोग परेशान हो गए। शादी तय किए थे? शादी वहाँ सरधा बाजार और शानपुर गाँव में। कई साल पहले से शादी तय थी, क्या 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 आपने कार्यक्रम किया इसके बारे में बताइए? साल भर पहले की शादी तय हुई थी और उसके बाद गोद भराई भी हमारे यहाँ छितौनी गाँव में हुई थी। क्या क्या किए थे गोद भराई में, क्या क्या हुआ था सगाई में, क्या क्या हुआ था? अब गोद भराई सगाई में जो होता था टेंट था सब जो वीडियो मतलब बना था, और जो हमको देना था उसमें अंगूठी दिए थे लड़के को, अंगूठी जहाँ जब तक बने हमारी औकात थी उसको मतलब हम। कितना खर्चा किए थे लगभग? लगभग कितना खर्चा किए थे? लगभग सब खाना वाना व्यवस्था 1,00,000 रुपए। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं वो शादी के लिए बताइए? क्या अभी क्या हुआ, शादी नहीं करेंगे, क्या हुआ इसके बारे में बताइए? अब वो कह रहे हैं शादी नहीं हुई है, कान अरे लड़का जो है कान अरे नहीं करने को तैयार है, यहाँ भाग गया कहीं, मतलब क्या और कैसा है? क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं ऐसे परिवार से। आपका तो बहुत नुकसान हुआ है, देखे पूरा टेंडर, आप क्या चाहते हैं मतलब खर्चा कौन वहन करेगा इसके बारे में? अब साहब हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सब जो खोना था वो खर्च हमने कर दिया, सब सारी व्यवस्था कर लिया है, अब इसी से हम लेकर परेशान हैं।